प्लेटफॉर्म जिसके बारे में हमें पता था कि हम उम्मीद करते थे या कभी ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म ऑफर होगा, और जब अपॉर्चुनिटी आई हमें बताया गया कि आप हिस्सा बनना चाहेंगे तो हम हिस्सा बन गए। और ऑब्वियसली बात है, इतना अच्छा जर्नी रहा, इतने सारे स्टैंडिंग ओवेशंस, इतना ज़्यादा सराहना मिली है, सभी जजेस ने, सभी लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया है, हिमांशु अमृता से हिमृता कर दिया है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा सराहना के बाद वो जर्नी बहुत मैजिकल हो जाता है। और एक दूसरे को हमने डिस्कवर किया, एक दूसरे के साथ जो बॉन्ड है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। इतनी वाहवाही, इतना स्ट्रेंथ बॉन्ड का, फिर आपको साथ में जीत मिली है, ट्रॉफी मिली है, विनिंग अमाउंट मिला है, मुझे लगता है This is सोने पे सुहागा। अच्छा, लेकिन हिमांशु, अमृता जो है काफी अच्छी डांसर है और रियलिटी शो में पहले मराठी रियलिटी शो में भाग भी ले चुकी है। एक अपेक्षा है। जी जी। हाँ, तो इनके लिए तो डांस मींस इतना ज्यादा नहीं टफ नहीं था, लेकिन आपके लिए काफी टफ था, क्योंकि डेफिनेटली आजकल रियलिटी शोज का जो डांस का लेवल है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, 16-16 घंटे रिहर्सल्स करनी पड़ती है, खाना पीना सोना वहीं रिहर्सल हॉल में ही होता है। बट क्या होता है कि आपको अगर एक शो का हिस्सा बनना है, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स आपको, अगर आप चाहते हैं आप एक बेंचमार्क क्रिएट करें, आप चाहते हैं कि लोग आपको देखें, सराहें, कुछ अलग करें, तो उसके लिए आपको कुछ मेहनत तो करनी पड़ती है। तो मुझे उस मेहनत करने में कोई परहेज नहीं है। आई थिंक वॉट ही सेड इज़ एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि डांस आना ना आना एक बात होती है, लेकिन उस चीज़ पर मेहनत करना तो हमारे हाथ में होता है। एंड हिमांशु इज़ रियली वर्कड वेरी वेरी हार्ड, और मेरी सारी डांट उन्होंने बहुत हंस के सहन की है। मेरा सारा कहना, रूठना, मनाना जो है वो उन्होंने बहुत हंस के सहन किया है। एंड आई थिंक दैट इज़ वॉट कॉम्प्लीमेंट्स ईच अदर, दैट इज़ वॉट यू नो, आई थिंक हम दोनों को वही चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करती है कि मैं अगर कुछ भी बोलूँ तो वो हंस के वो चीज़ भूल जाते हैं, अपने ईगो एटीट्यूड पे नहीं लेते हैं, बीइंग अ हस्बैंड आल्सो। एंड आई थिंक और इससे अचीवेबल, इससे बेहतरीन अचीवेबल चीज़ और कुछ हो नहीं सकती थी। कैसी टीचर रही अमृता? शुरू में थोड़ी सी स्ट्रिक्ट थी मुझे लगता है कि ऐसा करना है और ऐसा करना है, तो क्योंकि ऑब्वियसली उसका डांस का थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है। बट मुझे लगता है एक दो एपिसोड्स के बाद उसे लग गया था कि मुझे लगता नहीं कितने ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं एक तालमेल बैठ गया था, समझ आ गई थी, तो उसके बाद उसने इतनी स्ट्रिक्टनेस दिखाई नहीं। आई थिंक शी हैड स्टार्टेड हैविंग अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन मी एज वेल एज अ डांसर। तो धीरे 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 फिर वो अपने आप फिनेस आती गई, स्टाइल आता गया, परफॉर्मेंसेस अच्छी होती गई, सब ने स्टैंडिंग ओवेशंस दिए, सब लोगों ने सराहा कि मांचो भी बहुत अच्छा डांस करते हैं, साथ में तालमेल अच्छा है, तो उसको भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था। इस जर्नी में तो कई सारी खट्टी मीठी यादें होंगी, कुछ ऐसे पल जो काफी यादगार बने हो अपने को? देखिए, बहुत सारे पल हैं। सना दिपेश का हमारे रूम में बैठना, साथ में सोना, साथ में खाना पीना, साथ में बातें शेयर करना, गप्पे मारना, संग्राम जी का रात को कहना कि भाई दूध पीते हैं, चलो आराम करते हैं, थोड़ा सा पैर दबा दूं, हाथ दबा दूं, ये बहुत सुनहरे पल होते हैं आपकी जिंदगी में। साथ में ऑफकोर्स विनिंग मोमेंट तो जिंदगी भर याद रहने वाले पलों में से एक है। इट्स सच अ ब्यूटीफुल बट आई थिंक हमने यहाँ पर जो लोग कमाए हैं और जो फैंस, लाखों फैंस कमाए हैं, मुझे नहीं लगता कि कहीं और किसी शो में ये पॉसिबल हो पाता, क्योंकि यहाँ पर आज लोग हिमांशु को हिमांशु के नाम से जानते हैं और मुझे अमृता के नाम से जानते हैं, ना कि हमारे किसी किरदार के नाम से जानते हैं। सो आई थिंक आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू नो स्टार्स एंड द एंटायर कास्टिंग क्रू ऑफ नच बलिए, जिन्होंने हमें इस जीत के काबिल समझा, और हमारे सारे लाखों फैंस जिन्होंने हमें वोट किया। स्टेज को मैं हमेशा कहती हूँ कि डांस इज माई पैशन, और यू नो वो स्टेज जिसने हमें बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ सिखाया है, आई थिंक मैं उसे बहुत ज्यादा मिस करूंगी। अच्छा, वो मोमेंट जब अनाउंसमेंट होने वाली थी, हो चुकी, हो गई कि दोनों विनर है, तो दोनों के लिए कैसा मोमेंट था वो? बहुत ही खूबसूरत मोमेंट था। मुझे याद है मैंने बस ऊपर वाले को थैंक यू किया था, अमृता को हक कर दिया था, और वो मोमेंट क्योंकि अमृता भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, मैं चाहता था कि हमारा नाम अनाउंस हो, और अनाउंस होने के बाद क्या होता है एक सुरूर सा हो जाता है जीत का, उसके बाद मेरी फैमिली आ गई, अमृता की फैमिली आ गई, एक दूसरे को हक किया, थोड़े बहुत खुशी के आंसू थे। कुछ लम्हे ज़िंदगी के बड़े सुनहरे पल और यादगार लम्हों में से होते हैं, वो मुझे लगता है वो लम्हा छप गया, सारी ज़िंदगी याद रहेगा हमें। I think the way Prateek hugged Himanshu, I think that was really something. मैं चाहती थी कि हमारे choreographers इस बारी जीते, हम जीते नहीं जीते, but मैं चाहती थी कि हमारे choreographers definitely जीते, और जब मैंने उसे
छलांग मारते हुए देखा हिमांशु के ऊपर, आई थिंक दैट वाज माय मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट. और जब मेरी माँ आई तब जब उन्होंने मुझे हक किया तो शी वाज लाइक शी हैड गॉन क्रेजी. वो रो रही थी, वो हंस रही थी, वो डांस कर रही थी और वो कह रही थी कि तुम्हारी मेहनत कितनी सफल हो गई, तुम्हारी मेहनत कितनी सफल हो गई. आई थिंक यू नो दिस इज गोइंग टू बी माय बिगेस्ट गिफ्ट टू माय मॉम. करेक्ट. दोनों की कोई एक परफॉर्मेंस जो काफी दोनों को काफी पसंद हो? परफॉर्मेंस दोनों को मुझे लगता है बहुत सारी परफॉर्मेंस पसंद है. लेकिन एक भूल भुलैया एक्ट था जो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन था, बहुत ही लोगों ने सराहा उसको, बहुत ही पसंद किया. हमने बहुत कम समय में प्रिपेयर किया था. आई थिंक दैट एक्ट हैड सम ऑरा जब स्टेज पे परफॉर्म हो रहा था और रणबीर कपूर देख रहे थे. नहीं दैट वाज तू जहां आई एम टॉकिंग भूल भुलैया. अच्छा हां, तो कहीं ना कहीं वो ऑरा क्रिएट हो गया था. और रणबीर कपूर का जो फेवरेट एक्ट जो तू जहां मैं जहां रोटेटिंग लैडर पे हम लोगों ने किया था वो भी बहुत करीब है दिल के. बहुत सारे एक्ट्स हमारे आज. तो अब क्या प्लान है कि अब क्या करने वाले हैं? बस मैंने जैज ले ली है, मैंने तो विनिंग अमाउंट ले लिया है. अब मैं सोचूंगी कि इस विनिंग अमाउंट का क्या करना है. क्या करना अभी कुछ सोचा नहीं है एक्चुअली. थैंक यू सो मच. थैंक्स अटन. थैंक यू. एक सेल्फी निकाल लेते हैं प्लीज. चलो.